जीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं इनडाइजेशन से छुटकारा पाने के खास टिप्स। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज के संजीवनी टिप्स? देखिए, इंडाइजेशन बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बदहजमी, यानी कि कोई खाना आप खाते हैं प्रॉपर पचता नहीं है, फिर गैस बनती है, पेट में अफारा आ जाता है, डकारें आती हैं, मोशन क्लियर नहीं होता, तमाम चीज़ें बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ आम तौर पर लोग शिकायत करते हैं कि बाहर मैंने कुछ खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया उससे। तो इसको दूर करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ें और बहुत कारगर चीज़ें हैं, आपके घर में भी हैं, आपके किचन में हैं, उनको ज़रूर प्रयोग करिए। सौंठ का चूर्ण आप लीजिए, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को, गुनगुने पानी से लीजिए, या छाछ अगर आप पीते हैं तो छाछ में मिला करके भी उसको ले सकते हैं, उससे आपका पाचन अच्छा रहेगा। एक और बहुत सिंपल सी चीज़ है, सौंठ, जीरा, धनिया और अजवाइन एक एक चम्मच एक लीटर पानी में उबाल लीजिए, और ये जो एक लीटर पानी है इसको आप अपने साथ रखिए बॉटल में, अगर गर्मी का मौसम है तो बॉटल में भर के रखिए, सर्दी है तो थर्मस में भर के रखिए, और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके उसको पीते रहिए, उससे भी आपका पाचन बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपके पास उपलब्ध है, घर में भी उपलब्ध है, आमतौर पर मिल जाती है, सौंफ। सौंफ का प्रयोग आप करिए, खाना खाने के बाद आप सौंफ खाएं एक चम्मच चबा करके अच्छी तरह से, तो वो भी आपके पाचन को इम्प्रूव करती है। और पपीता आप खा सकते हैं, पपीता मिलता है बाजार में, पपीता भी पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन को भी ठीक करता है और पेट को साफ भी करता है। और बढ़िया छाछ बनी है घर में, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हींग वगैरह डाल के आप लें, वो बहुत बढ़िया है। काली हरड़ होती है, काली हरड़ को घी में भून के उसका पाउडर बनाइए, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ हींग मिलाइए उसमें, बहुत बढ़िया चूर्ण आपका बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने की आपको ज़रूरत है, केवल सुनना नहीं है, सुन करके प्रसन्न नहीं होना है कि बहुत अच्छे नुस्खे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको प्रयोग करिए। और कहीं पर आपको अगर और ज़्यादा हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं, उनसे ज़रूर बात करिए।